यार एक हादसा हो गया यार, दिन खराब है कि नसीब खराब है, एक फिर बस को छोड़ना पड़ा क्योंकि काफी लेट। तो कैसे है गाइस, सुबह के 7:30 बज चुके हैं, अभी फाइनल में उठ चुका हूँ। रात भर नींद नहीं हो रहा था, मैंने सोचा कि मुझे ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग वीडियोस को शूट करना है, और मैंने उसी वक्त रात को अपना चैनल क्रिएट किया। उसके बाद जो जो होता मैंने सब किया। अभी मैंने सुबह उठा, मैंने सोचा मुझे अब ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो अभी मैं सो के उठा हूँ, तो अभी जा रहा हूँ फ्रेश होना उसके साथ। फाइनली गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं भाई के साथ, जो कहीं भाई लेके जा रहे हैं, जो उसके लिए शायद बहुत अच्छा प्लेस है, और शायद हम जाएंगे अभी, देखेंगे वहाँ पे कैसा है। और एक बोले तो कंस्ट्रक्शन लाइन का काम चलता है भाई का, तो वही जा रहे हैं हम लोग भाई के साथ। तो फिर वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। बस में वहाँ पे हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो अभी बस में हम लोग बैठे हैं, हम लोग जा रहे हैं बस जाने। अभी ऐसे सुबह सुबह गर्मी भी बहुत है, आज का दिन बहुत है। कल लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो फिर सोचा कि दूसरा बस ले लेते हैं। अभी पूरा बस खाली हो गया, तो इसलिए हम लोग दूसरा बस में चलने वाले हैं। अभी बहुत टाइम भी हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा है, हम लोग को जल्दी पहुँचना भी है, और भाई का लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे पटना जंक्शन के पास पहुँचे हम लोग। अभी पटना जंक्शन से दूसरा गाड़ी लेंगे यहाँ पे जाने के लिए, राजेंद्र नगर जाना है हम लोग को, वहाँ से फिर साइड है वहाँ पे जाना है हम लोग को। तो फिर मेरे साथ बने रहिए। अभी बुद्धा पार्क है पीछे तरफ, देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ थैला है, तो मैं भी उठा नहीं सकता, बहुत ज़्यादा रश है, और शायद मेरी आवाज़ सुनने में आप लोगों को तकलीफ हो कि मेरे पास एयरफोन नहीं है, तो मैं एयरफोन लगा के बात करूँ, तो ठीक है मेरे साथ बने रहिए। यार एक हादसा हो गया यार, दिन ख़राब है कि नसीब ख़राब है, एक फिर बस को छोड़ना पड़ा क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, वो दूसरे डायरेक्शन पर जा रहा था। तो अभी हम लोग फिर चले हैं अपने सफ़र के लिए। अब बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही, तो शायद आप लोगों को सुनने में तकलीफ होगा, मुझे भी बोलने में तकलीफ हो रहा है क्योंकि आवाज़ अच्छे से नहीं जा रहा है आप लोगों को, तो क्या करूँ यार, सॉरी इसके लिए। तो अभी भी हम लोग पैदल ही चल रहे हैं, अभी मेन रोड कंकर बाग में पहुंच चुके हैं, और कुछ ही दूरी है जो अपना मंदिर को जाना है, और बेसब्री से इंतज़ार करते हैं उस चीज़ों का, और हम लोग जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो भाई साहब भी परेशान हो गए क्योंकि अब तक दो बस को छोड़ना पड़ा हम लोग, और फाइनली हम लोग पैदल जाना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। तो चले, तो ये है ये जो रास्ता है, बहुत ही फेमस रास्ता है, जो मेदांता हॉस्पिटल जाने के लिए इधर से जाया जाता है ये रास्ता, ये कंकर बाग में है, और कुछ मेरा भाई बताना चाहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। हाँ तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको मेदांता हॉस्पिटल जैसे भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो आयुष्मान भारत के अंडर में आता है, ठीक है ना,
तो अगर आपको जंक्शन से मेदांता हॉस्पिटल आना है, जैसे बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ेगी आने के लिए, तो उसके लिए जो जंक्शन से यही वाला रास्ता जाएगा, ये पीसी कॉलोनी रोड है, इसी रोड पे जो है मेदांता हॉस्पिटल बना, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अभी आपको मैं वो हॉस्पिटल भी दिखाऊंगा कि कैसा कितना बड़ा हॉस्पिटल। अभी हम लोग लोहिया पार्क के पास हैं, ये देख सकते हैं आप ये पार्क। वैसे तो अभी आए कभी नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कभी आएंगे यहाँ पे और यहाँ का सारा चीज़ दिखाएंगे आपको। अभी कंकर बाग में ही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है यहाँ पे, चल रहे हम लोग। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुँच चुके अपने मंजिल और आपको चारों ओर दिखाएंगे। अभी हम लोग जस्ट अभी पहुँचे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। कुछ भाई अपना बात शेयर करना चाहते, कैसा लगा था भाई आने में? भाई देखिए, जहाँ से मैं आया अभी, तो मैं अभी आपके रूम से आया था इसलिए मुझे इतनी दिक्कत हुई, लेकिन मैं यहीं बगल में रहता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जल्द से जल्द पहुँच जाता हूँ। मुझे काफ़ी सारी दिक्कत था, रश तो था क्योंकि वो थोड़ा कंजेस्टेड एरिया था, ये एरिया थोड़ा खुला हुआ है तो इधर कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है, इधर खुला खुला सा माहौल लग रहा है। और यहाँ पे मतलब बोले तो भीड़ भड़क का बहुत कम है, मतलब एक हिसाब से देखिए कि यहाँ पे ये जो है ना हॉस्पिटल्स का हब है ये एरिया। जी हाँ, वो जो तरह का हॉस्पिटल आपको मिलेगा, और जिस हॉस्पिटल के बारे में मैंने आपसे बात की थी वो हॉस्पिटल जस्ट हमारे पीछे है, ये देखिए पीछे देख सकते हैं हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल, ये है हॉस्पिटल, ये सामने यहाँ पे काम चलता है, ये सामने यहाँ पे काम चल रहा है, बंदा काम कर रहा है, बहुत ही मेहनत कर रही है ये कंस्ट्रक्शन लाइन। और भाई मेरा वो इंजीनियर है, वो सिविल इंजीनियर है, वो उसके साथ आया था, ऐसा नहीं कि वो मिस्त्री है ठेकेदार है, वो सिविल इंजीनियर है। देखिए लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, और शायद आवाज़ शायद सुनने में आप लोगों को तकलीफ होगा क्योंकि ये फर्स्ट ब्लॉग है मेरा। प्लीज़ अगर कोई भी अगर आप लोगों को लगा कि ये यहाँ ख़राब था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सर ये चीज़ आपका ख़राब था या भाई आपका ये ख़राब था, आपको ये इस चीज़ में सुधार करना है, तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में तो इतना ही है, लेकिन मैं इंशाल्लाह चाहूँगा कि फिर अगले वीडियो जो आएंगे उसमें कुछ काफ़ी सारी सुधार लेके आएंगे। तो और भी आप कुछ चीज़ दिखाते हैं, ये है देवेंद्र जी, बहुत फनी मैन है, बहुत ज़्यादा एजेड है, बहुत उम्र दराज हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। अभी भाई ने इसका इंट्रोड्यूस करवाया कि बहुत अच्छा आदमी है, और काम जो हो रहा है बहुत, देखिए आप देख सकते हैं किस तरह का काम होता है, देख सकते हैं। अब फाइनली यहीं पे ब्लॉग को अपना बंद करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब इंशाल्लाह चाहूँगा नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा और अच्छे अच्छे जगह जाऊँगा, तो वहाँ का दिखाने वाला हूँ। तो जब तक के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। पता है कि आज पहला ब्लॉग है मेरा, शायद उतना खास अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जितना है मेरे हिसाब से तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बोल दीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर